मसीह यीशु के नाम में आप सभी को अभिवादन। मैं आज आपको डेविड लिविंगस्टन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिनके मृत्यु के बाद में उनका दिल अफ्रीका में दफनाया गया लेकिन उनका शरीर इंग्लैंड में दफनाया गया। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन चरित्र पर एक नज़र को डालते हैं। डेविड लिविंगस्टन का जन्म 19 मार्च 1813 को स्कॉटलैंड में हुआ। वह बचपन से ही काफ़ी मेहनती थे और 10 वर्ष के आयु में वह 12 घंटे काम भी करते थे और रात में वह अपना पूरा समय पढ़ाई में बिताते थे क्योंकि उनको पढ़ाई में एक विशेष रुचि थी। वह बचपन से ही एक डॉक्टर बनना चाहते थे। मुख्य तौर पर वह एक मिशनरी डॉक्टर के रूप में चाइना में सेवा करना चाहते थे, परंतु उन दिनों में एक मिशनरी जिनका नाम रॉबर्ट मॉफट था, वह अफ्रीका में सेवकाई की चुनौतियों के बारे में बताने लगे। उनकी बातें सुनकर डेविड लिविंगस्टन ने निर्णय लिया कि वह डॉक्टर बनकर अफ्रीका जाएंगे और उनके इस निर्णय को देखकर लंदन मिशनरी सोसाइटी ने उन्हें अफ्रीका भेजने का निर्णय लिया। उन दिनों में अफ्रीका में किसी भी प्रकार का विकास नहीं था। अफ्रीका एक बहुत बड़े जंगल के रूप में जाना जाता था और साथ ही में अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था। यहाँ तक कि अफ्रीका में गुलामों का व्यापार होता था, जहाँ पर अफ्रीकी गरीबों को गुलाम बनाकर उनसे जानवरों की तरह बर्ताव किया जाता था और उनके मेहनत की कमाई भी उन्हें नहीं दी जाती थी और इनके बीच में नाना प्रकार की बीमारियाँ भी फैली थी। ये सारे हालातों को देखकर डेविड लिविंगस्टन का मन टूट गया और उन्होंने निर्णय लिया कि वह अफ्रीका में ही रहकर प्रभु की सेवा करेंगे। डेविड लिविंगस्टन को खोजकर्ता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अफ्रीका के जंगलों में स्थित विविध मानवीय जातियों को खोजा और साथ ही में उन्होंने अफ्रीका के जंगलों में से कई नए रास्ते की खोज की, जिन रास्तों का इस्तेमाल आज भी अफ्रीका में किया जाता है। अफ्रीका में सेवकाई के दौरान डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी मैरी लिविंगस्टन बहुत बीमार भी रहती थी और साथ ही में उनके एक बच्चे की मौत भी हो चुकी थी, जिस कारण उन्होंने अपनी पत्नी को इंग्लैंड वापस जाने के लिए कहा। और साथ में अफ्रीका की कड़ी धूप ने डेविड लिविंगस्टन के शरीर को मानो जलासा दिया था। एक दिन सेवकाई के लिए यात्रा करते वक्त उन पर एक शेर ने हमला किया, जिससे कि उनका एक कंधा टूट चुका था और उनका एक हाथ हमेशा झूलता था। उनकी शारीरिक अवस्था इतनी बिगड़ चुकी थी कि एक बार उनकी पत्नी उनको पहचान भी ना सकी। उनके सेवकाई के दौरान उन्होंने हजारों को परमेश्वर का उद्धार का मार्ग दिखाया और उनका उपचार भी किया। वह अपने पूरे जीवन काल के दौरान अफ्रीका के जंगलों में घूमते रहे और गरीबों को प्रभु का प्रेम दिखाते रहे। यहाँ तक कि वह जब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, उनको स्ट्रेचर पर सुलाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार के लिए ले जाया जाता था और वह उस अवस्था में भी प्रचार करते थे। अफ्रीका के लोगों ने डेविड लिविंगस्टन के जीवन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया। उनका जीवन इतना प्रभावित करने वाला था कि एक बार एक नास्तिक पत्रकार हेनरी स्टैनली उनसे मिलने गए और कुछ ही दिनों में उन्होंने डेविड लिविंगस्टन के जीवन को देखकर प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। सन 1873 में उनकी हालत बहुत ख़राब होते गई और वह एक दिन अपने नियमित समय के अनुसार प्रार्थना करने गए और प्रार्थना में वह बहुत लंबे समय तक बने रहे। कुछ घंटों बाद उनकी देखभाल करने वाले लोगों ने जब देखा कि अभी भी वह घुटनों पर ही बैठे हैं, तब वह उन्हें देखने के लिए आए और क्या देखा कि उनकी मृत्यु घुटनों पर ही हो चुकी है। जी हाँ, डेविड लिविंगस्टन की मृत्यु उनके घुटनों पर प्रार्थना के दौरान हुई थी। उनके मृत्यु के बाद अफ्रीकी लोग चाहते थे
कि वह उनका शव अफ्रीका में ही दफनाए क्योंकि उनका पूरा जीवन अफ्रीका के लोगों के लिए समर्पित था। परंतु इंग्लैंड के सरकार ने उनके शव की मांग की और आखिरकार उनका दिल अफ्रीका में दफनाया गया और उनका शरीर इंग्लैंड में दफनाया गया। भले ही आज डेविड लिविंगस्टन हमारे मध्य में नहीं है, परंतु उनकी सेवकाई आज भी लोगों को बहुत उत्तेजित करती है और उनका चुनौतीपूर्ण जीवन आज भी लोगों को मिशनरी बनने के लिए उत्तेजित करता है। ये वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप और भी मिशनरी लोगों के जीवनों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।